करेंगे और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करो, डिपोर्ट करो, डिपोर्ट। तरीके से हजारों की तादाद में यहां से गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को बसाया गया है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है और ये मांग करती है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है जम्मू के लिए। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह कहा है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त के लिए, और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और पहले से ही इनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के केसेस रजिस्टर्ड हैं, और गवर्नमेंट ने बार बार आश्वासन दिलाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई इनको यहां से विक्ट करने के लिए नहीं की है। महज अश्योरेंसेस दी जा रही हैं केंद्र द्वारा और रियासती सरकार द्वारा, और देखा यह जा रहा है कि लगातार रोहिंग्याज यहां पे अपनी परमानेंट जो है रेजिडेंस बना रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, आधार कार्ड, गैस कनेक्शंस, और यहां तक कि स्टेट सब्जेक्ट तक इनको इशू कर दिए गए हैं। हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इनको यहां बसाने के लिए, जिसको पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जल्द से जल्द इनको यहां से डिपोर्ट नहीं किया गया, एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो जम्मू के अंदर छेड़ी जाएगी, जिसके लिए ये मौजूदा गठबंधन सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार होगी।